Thank you so much, each and everyone, for your valuable support. Hello everyone, this is Abhishek. जब भी हम आर्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो पेपर के बारे में बात करते हैं, पेंसिल के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम शार्पनर के बारे में भूल जाते हैं. एक्चुअली वो एक वाइटल रोल प्ले करता है. कहाँ पे प्ले करता है? जैसे कि हम कोई भी पेंसिल यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव हो या फिर नॉर्मल, जो भी आप इकोनॉमिकल पेंसिल के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे पेंसिल्स भी होते हैं जो जिनके ग्रेड ऊपर जाते हैं, जैसे कि आप 4B है, 6B है, ग्रेफाइट पेंसिल है, चारकोल पेंसिल है, और इसके अलावा जो और भी जैसे स्टेडलर हैं, टॉम्बो है, इसके जो ग्रिड्स होते हैं ना, उसके जो लिड होता है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ग्लास मार्किंग पेंसिल हैं, कलर पेंसिल जो स्टेडलर के आते हैं, उनके जो लिड होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. नॉर्मली हम जब शार्पनर से भी करते हैं तो टूट जाते हैं, और उसके अलावा हम लोग जब यूज़ करते हैं, ब्लेड वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो पेंसिल की हालत कुछ ऐसे हो जाती है. जैसे आप देख रहे हो, ये वॉल्वरिन का हाथ नहीं है, मेरा हाथ है, और जितने भी आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे टाइप्स हैं पेंसिल के. जैसे ये ग्लास मार्किंग पेंसिल है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, ये जैसे आप देख रहे हो कि सॉफ्ट जो चारकोल पेंसिल होता है वो है, ये सारे हैं. ये आप देख रहे हो कोहिनूर का है, और ये देख रहे हो ये भी सॉफ्ट पेंसिल है जिसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती. जितना भी आप शार्पन करोगे, ऐसा नहीं कि आप शार्पनर से ही यूज़ करो. मैंने तो कई बार ही यूज़ किया है, ये जो आप ब्लेड देख रहे हो, ब्लेड से भी मैंने कोशिश की, लेकिन ये जो पेंसिल के जो लिड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है. जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये सिर्फ जो आपको दिख रहा है अभी, ये सिर्फ एक दिन का है, इतना लिड जाता है. क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन होता है जब भी आप ड्राइंग करते हो तो वो चला जाता है. ये जो अभी आप पेंसिल देख रहे हो ये नया है, नया मीन्स कि आज ही निकाला था, और ये छिलते छिलते ऐसा तो मुझे ऐसा हो गया कि कुछ कुछ के ब्रांड मैंने छोड़ दिए. ब्रुस्टो का जो पेंसिल था वो मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन वो चीज़ें, वो उसकी जो लीड थी, 10B जो पेंसिल था ना, वो मुझे हेयर बनाना था. हेयर बनाने के चक्कर में मैंने शार्पन की, और थोड़ा डिटेल करना था मुझे. मैंने सोचा कि आईलैशेस भी बना दूँ मैं, तो उसके लिए बिल्कुल ही शार्प चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था स्टेडलर का भी शार्पनर. लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसने भी स्टैंड किया, और 20% 30% तक उसने सेव किया, लेकिन उसके बाद नहीं. उसके बाद जैसे 12B आ जाता है, 10B आ जाता है ना, तो सारे के सारे जितने भी वो फेल हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप. तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है फिर? ऐसा तो फिर मैं स्केचिंग में कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊँगा मैं. और ये सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने मेरे से बात करी थी. तो बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया है, ऐसा नहीं है, सैंड पेपर भी मैंने यूज़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से वो जो पेंसिल है वो टूट जाता है. तो एक प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है और इसका मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया. तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूँ कि चीज़ें, तो ये कुछ प्रोडक्ट है ऐसा. जैसे कि मैनुअली, जैसे आप देख रहे हो, मैंने बताया ना कि मैं ऑटोमेटिक से ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, कितना मुझे शार्पन करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, जो है प्रोडक्ट का नाम है क्रोम शार्पनर. तो मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से ये काम करता है. प्रैक्टिकल लुक मुझे भी नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ. तो ये है हमारा प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था मैं आपको. सबसे पहले इसका क्लोज लुक दिखा देते हैं. ये आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट पैनल है ये मेटल का है, ये भी मेटल का है. इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट जो है खासा पसंद आया. और इसके पीछे का भी देखोगे तो ये हैंडल जो है ये सिर्फ प्लास्टिक का है, और ये नहीं, तो बाकी जितने भी हैं, और ये जो इसका जो बिन है ये प्लास्टिक के, बाकी जितने भी हैं सब प्रोडक्ट के जो आउटर हैं वो सब मेटल का है. तो ये एक बेस्ट पार्ट है, अगर गिर भी गया, अगर मिस हैपनिंग हो गई तो ये बचेगा, ऐसा ये टूटेगा नहीं. अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स का. ये आप देख रहे हो ये पैनल, ये इसका मेन फीचर है. यहाँ पे आपको दो नॉब दिए हैं, इसमें एक का काम क्या है, दूसरे का काम क्या है. ये हीरो है और ये सपोर्टर है. सपोर्टर कैसे होगा कि आपको जो भी, आपको जैसे कि अभी इंसर्ट है ना, आप इसमें नहीं डाल सकते जब तक कि आप इसको ओपन ना हो. तो ये आपको प्रेस करके ओपन करना है और ये इंसर्ट हो गया. अब क्या करना है, इसको आपको आगे की तरफ लेना है, क्योंकि आपकी पेंसिल लंबी है अगर, तो इसको आपको और अंदर की तरफ जाना चाहिए. तो इसको प्रेस करके इसको अंदर डाल दीजिए, ये चला गया. अब मैं, ये है मैनुअल. तो मैनुअल मीन्स कि आपको क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे मूव करना है. कैसे मूव करना है, ये एंटी रोटेशन जो होता है ना वॉच का, वो. और ये अपने आप से, इसका बेस्ट फीचर ये है कि अपने आप से ये पेंसिल को अंदर लेता है.
आपको धकेलने की ज़रूरत नहीं होती, पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप धीरे धीरे देख रहे हो कि ये आपको अंदर की तरफ जा रहा है, और हमेशा बार बार हमें देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अपने आप से ये जो है पेंसिल वो ढीला हो जाता है। ढीला मीन्स हो गया, यानी कि उसने सफिशियंट जो है वो उतने शार्पन कर दिया है। अब इससे ज़्यादा क्लोज लुक आप क्या ले सकते हो? ये देख रहे हो, इसका जो पॉइंट है, आपने कभी शायद इतना पॉइंट देखा भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा था। तो ये देखो, इतना पॉइंट है, शार्पन है, जो आपको टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा इसके फीचर के बारे में। जैसे पहला तो मैंने बता दिया आपको कि ये पैनल है इसका फ्रंट, इसको हम प्रेस करके हम अंदर की तरफ इंसर्ट होता है। और यहाँ पे एक और बताऊँगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब भी करते हो तो फिर पेंसिल की लीड टूट जाती है, और लीड जब टूट जाती है तो ये अंदर रह जाता है। तो इसके कारण उसके बाद भी अगर आप शार्पन करते हो तो पेंसिल टूटने लगता है। तो हमें लगता है कुछ कि ये जो फॉल्ट है इसका है, जबकि इसका फॉल्ट नहीं है, पेंसिल का फॉल्ट रहता है। उसकी जो लीड है इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि कभी कभी क्या होता है, आपकी पेंसिल नई नई लाते और ये गिर जाता है। और ये गिरने के कारण क्या होता है ना कि अंदर से लीड भी उसकी टूट जाती है, तो यहाँ पे अटक जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको सॉल्व, कैसे कर सकते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस होती है सबको? यहाँ पे क्या कर रहा है, पीछे का जो अटैचमेंट देख रहे हो ना आपको, ये इसको आपको ऐसे मूव करना है। कहाँ पे आपको एंटी रोटेशन ही मूव करना है, और ये जूम, ये आप देख रहे हो कि ये ऐसे कुछ निकल के आ जाता है, बहुत ही शार्पन है, इसको आप टच ना करें। और यहाँ पे आपको जब देखोगे ना, यहाँ से आपको होल से दिखेगा कि यहाँ पे कुछ अटका पड़ा है। और इसको निकाल कैसे सकते हो, तो कोई भी आपके पास अगर नुकीली चीज़ें होती है ना, जैसे कि आप मान लो कि अगर आप टूथपिक भी अगर है ना, तो यहाँ से आपको दिखता है ये वाला ना, यहाँ से आप उसको पुश करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। एक मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आती है और आती ही है, तो इसके लिए आप पहले से ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो ये हो गई इसकी बात। इसके बाद क्या होता है ना, ये इसका बिन है, और ये भी फिल होने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही फिल हो जाता है। तो इसको आपको कैसे पुश करना है, पीछे की तरफ से आपको पुश करना है, ये जो आपने देखा इसको पीछे की तरफ से पुश करना है, और ये निकल जाएगा ऐसे, और फिर इसको आप वापस इसको फेंक सकते हैं। तो ये बात कर लिया मैंने इसके फीचर के बारे में। इसका स्टैंड भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका स्टैंड भी है। इसको स्टैंड भी आप किसी भी कॉर्नर में आप लगा सकते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि परमानेंटली इसको रेजिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पेंसिल जो है वो कर लिया है, और इसके अलावा चारकोल का ये जो सॉफ्ट पेंसिल है ना, बहुत ज़्यादा ही टूटता है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी टूट चुका है और बहुत अंदर तक गया। जैसे मैं कहता हूँ ना आपको कि ये बहुत ज़्यादा ही पेंसिल गिरने की वजह से भी टूटता है, उसका लिड जो होता है वो टूटता है। और ये देख रहे हो अब, जो कि आपको बहुत अंदर तक टूट गया था, अभी आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा स्ट्रांग है, स्ट्रांग इनफ, और ये सॉफ्ट है। देख रहे हो, ये कैमलिन का सॉफ्ट पेंसिल है, जो कि बहुत ज़्यादा टूटता है। तो ये कुछ हम लोगों ने पेंसिल के बारे में देखा। और इसके अलावा आप ये देख रहे हो अभी, ये है वैक्स, जो कि बच्चों के लिए होता है ये, और ये भी आप शार्प घिस जाता है, घिसते घिसते मोटा हो जाता है। आपको शार्पन पेंसिल चाहिए होता है तो इसको भी हम ट्राई करते हैं कि इसको ये करता है कि नहीं। आप चाहें तो उसको आगे पीछे उतना ही कर सकते हैं जितना आपकी ज़रूरत हो। अगर मुझे इतने की ज़रूरत है तो मैं इतना ही करूँगा। इसका क्या होता है, ये पुश करता है पेंसिल, जैसे जैसे छिलता जाता है ना वो आगे की तरफ पुश करता है। तो इसको भी हम लोगों ने ट्राई किया है, और ये एकदम शार्पन है। देख रहे हो आप, एकदम जो निडल होता है ना, निडल की तरह ही शार्पन है। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? तो ये हम लोगों ने कुछ देखा इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एकदम मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए। तो आपने देखा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये प्रोडक्ट, और एक जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मेरी जितनी भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे ग्लास मार्किंग पेंसिल आप कितना लेके रखेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल है, और ये सारी चीज़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रेड होते हैं ना पेंसिल के, तो 12 पेंसिल्स होते हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 4 या 5 पेंसिल होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रेडर की पेंसिल है, ये 8B पेंसिल है। 8B मैंने सोचा था कि हेयर बनाऊंगा मैं, आईलैशेस वगैरह के लिए करूंगा मैं, इससे मैंने एक भी ड्राइंग कंप्लीट नहीं की। मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन इसकी हालत ये कुछ ऐसे हो गई। अभी आप सोचो कि कैसे मैं चीज़ों पे ट्रस्ट करूँ, तो कभी कभी तो ऐसा हो गया था कि मैं सोचा था कि स्ट्रेडर है पेंसिल, तो इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें टूटती नहीं। ऐसा नहीं है, चीज़ें टूटती हैं,
आपको ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। और जितने भी लोग हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज़ ये लें, और क्योंकि अपने आप को भी सेफ करें, अपने पेंसिल्स को भी सेफ करें, क्योंकि आर्ट मटेरियल कहीं ना कहीं इन सब पे भी होता है। जैसे कि हम लोग इरेज़र भी, जैसे नॉर्मली इरेज़र यूज़ करते हैं, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने टॉम्बो इरेज़र भी तो यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आर्ट मटेरियल भी हमारा आर्टवर्क जो है वो इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट, होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है डिस्काउंटेड प्राइस में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इस तरह की वीडियोज़ जो हैं आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी को आप शेयर करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड हो या कोई भी आपके बिलोंगिंग्स हो, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।